जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको, क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है, 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और कहाँ बांसवाड़े की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और समसभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए उनको जेल जाना पड़ा, 8-10 साल तक जेलों में रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि गोविंद गुरु का जो योगदान है उनको देश कभी भूल नहीं पाएगा।